चीजें ऐसी होती है फ्रेंड्स जिन्हें हम खुद से भी छुपाते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना बहुत ही मुश्किल होता है फ्रेंड्स, मुझे पता है, मैं बहुत प्रॉब्लम से जा चुका हूँ और इसीलिए मुझे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं और ऐसे ऐसी प्रॉब्लम लोग मुझे बताते हैं जो सुनने के बाद मुझे खुद की अपने आप की शर्म आती है कि मैं आप लोगों के साथ आपके प्रॉब्लम में कुछ भी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। लेकिन और यही बातें मुझे मोटिवेशन देती है, यही बातें, तो मुझे लगता है कि कम से कम मैं आपको वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें सिखाऊं जिससे आप खुद ही खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके फ्रेंड्स। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है फ्रेंड्स। तो मैं शुरुआती दिनों में जब ट्रेडिंग में करता था बहुत लॉस कर चुका हूँ। वो मैं अगर लॉस का जो क्वांटिटी है वो अमाउंट में बताऊंगा तो लोग निगेटिव कमेंट करना शुरू कर देंगे, लेकिन जो मुझे पुराने बहुत दिन से पहचानते हैं उन्हें पता है। तो वो करने के बाद मैं 24 में से बड़ा लॉस हुआ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि उसके वजह से मैं 24 में से 22 घंटे स्टडी करने लगा, स्क्रीन के सामने बैठने लगा। जो चीज़ नहीं आई, मुझे नहीं आती थी, 10-10 स्क्रिप्ट पे वो पिछले 10-10 साल का डाटा उसमें देखता था और बीवी बोलती थी जिंदगी में आपने कभी भी, एक मिनट फ्रेंड्स, ये माय एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया स्टडी का, और हमारे मैडम बोलती थी कि जिंदगी में आपने मुझे इतना नहीं देखा जितना कम वक्त चार्ट को आप देखते रहते हो, ऐसा इनमें क्या है, मैं उसे क्या बताऊं फ्रेंड्स, इन चार्ट में ही तो सब कुछ है। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, चार्ट पे कमांड करना ही मेरा पैशन है फ्रेंड्स, और इसीलिए चैनल का नाम भी तो चार्ट कमांडो है फ्रेंड्स। तो आगे हम चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट समरी, मैं पहले आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, थोड़ा समझ लीजिए। चार फोर अकाउंट हमें चाहिए बराबर, इसमें से पहला अकाउंट हमें इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए, दूसरा अकाउंट हमें स्विंग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए चाहिए, तीसरा अकाउंट हमें इंट्राडे रियल अकाउंट के लिए चाहिए, और चौथा अकाउंट हमारे हमको इंट्राडे गैम्बलिंग अकाउंट के लिए चाहिए। तो ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये एक एक चीजें हम डिटेल में समझते हैं। तो डिवाइड, जो भी आपका कैपिटल है उसको डिवाइड करिए कि तीन पार्ट्स में, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है फ्रेंड्स, तीन पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड करना है। और आपको ये भी मैं बता दूं, ये जो तीन पार्ट है इसका मैंने पहले भी मनी मैनेजमेंट का एक वीडियो है उसमें मैंने और डिटेल से बताया है, उसका लिंक मैंने आई बटन पे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, खाली समय दीजिए, सीखिए फ्रेंड्स, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के जर्नी में मैं हमेशा आपके साथ हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये आपका, हमने चार अकाउंट करने हैं कैसे भी करके, तो चार अकाउंट में से फिर डिवाइड कैपिटल तीन पार्ट्स में क्यों बोल रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 लाख का उदाहरण लिया है, 3 लाख आपका अगर कैपिटल है तो उसमें से तीन हिस्से यानी 1 लाख हमें इंट्राडे के लिए रखना है, 1 लाख हमें पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखना है, और 1 लाख हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखना है फ्रेंड्स। और ये इन्वेस्टमेंट, ये जो इंट्राडे में हम जो कमाएंगे पैसे वो भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसका प्रॉफिट जो भी पार्शल डालना है डाल सकते हैं आप, और जो पोजिशनल से कमाएंगे उसका भी कुछ हिस्सा ये इन्वेस्टमेंट के लिए आप कैश में बाजू में रख दीजिए, अभी इन्वेस्टमेंट मत करिए। मैं आपने यूट्यूब चैनल पे बताऊंगा कब करना है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है फ्रेंड्स, अभी निफ्टी के बहुत नीचे के लेवल हमें देखने हैं बराबर। तो देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे तीन पार्ट्स में किया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो आगे क्या करना है इसका, तो देखिए नाउ इंट्राडे कैपिटल अभी कितना है आपके पास फ्रेंड्स, हाँ बराबर 1 लाख बराबर। अब 1 लाख का जो इंट्राडे कैपिटल है इसको भी हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी दो ट्रेडिंग अकाउंट में इसको हमें डिवाइड करना है फ्रेंड्स। कैसे, जैसे कि पहला अकाउंट हमारा होगा रियल ट्रेडिंग अकाउंट फ्रेंड्स, और उसमें 90% इसका हिस्सा डालना है, किसका हिस्सा, इंट्राडे कैपिटल के 90%, यानी वो 90,000 हो गया, और ये गैम्बलिंग पे हमें डालना है 10,000 जो रिमेनिंग है वो यहाँ पे डालना है। तो ये गैम्बलिंग का क्या करना है और इसका क्या करना है वो तो मैं डिटेल बताऊंगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स ये दो अकाउंट में डालिए, यानी 3 लाख में से खाली 1 लाख आ गया इंट्राडे में, और 1 लाख में से भी गैम्बलिंग में कितना आ गया फ्रेंड्स,
10,000 आ गया। तो ये स्कैमलिंग अकाउंट का क्या करना है, और पहले मैं रियल अकाउंट का भी आपको बता देता हूँ कि रियल अकाउंट यानी वो 90,000 के क्या करना है, हमें 5 पार्ट करने हैं उसके भी फ्रेंड्स, और वो 5 पार्ट को क्या करना है हमें 18,000 करके इसमें वो ट्रेड लेने हैं जो चार्ट बताते हैं, जो चार्ट कमांडो यूट्यूब चैनल पे आपने सीखा है, जो चार्ट कमांडो टेलीग्राम चैनल पे आपने सीखा है, उस हिसाब से जो ट्रेड लेते हो आप, वो ट्रेड आपको रियल ट्रेडिंग के अकाउंट में लेने हैं, जो चार्ट कहता है वो ट्रेड यहाँ पे लेने हैं, बराबर। और गैम्बलिंग के पे कौन से लेने हैं, फिर गैम्बलिंग अकाउंट यानी क्या है, ये चार्ट कमांडो का स्पेशल आपके लिए एडवाइस है। ये गैम्बलिंग अकाउंट इसीलिए बनाना है फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी रहने दो, मैं रहने दो, आप रहने दो, ये जो ट्रेडिंग का कीड़ा होता है वो बैठने नहीं देता है फ्रेंड्स। हम जब जाते हैं और वो स्क्रीन पे देखते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता और हमें ऐसा लगता है कि कब ट्रेड लूं, मैं कब एंटर हूं, बराबर। धीरे धीरे अभी वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आपका भी धीरे धीरे होगा, लेकिन ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी की वीडियो नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आई बटन पे भी देखिए, वो भी वीडियो पहले देख लीजिए। तो ये करने, क्योंकि ये बाकी स्ट्रेटजी इंडिकेटर वो वगैरह 10-15% ही है, बाकी सब परसेंटेज साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए ये गैम्बलिंग अकाउंट में क्या करना है, जो हमें लगता है वो ट्रेड हमें गैम्बलिंग अकाउंट में लेना है, और जो चार्ट बताता है वो ट्रेड हमें कहाँ पे लेना है, रियल अकाउंट पे लेना है फ्रेंड्स। आप समझ गए कि गैम्बलिंग अकाउंट में कितना भी ट्रेड करो आप, टेंशन मत लो, ये जो गैम्बलिंग अकाउंट का पूरा 100% भी आपका जीरो हो गया, पूरा अकाउंट भी जीरो हो गया, 100% आपको लॉस हो गया, तो भी आपका ओरिजिनल बैलेंस कितना है फ्रेंड्स, जो 3 लाख था उसमें से ओनली 10,000 ही लॉस होगा आपका, यानी 2,90,000 आपके पास और बचे रहेंगे फ्रेंड्स, यानी 100% लॉस करके भी आपका लॉस कितना कम हुआ, 3 लाख, ओनली 10,000 हुआ, कितना परसेंट होता है नीचे कमेंट्स में लिखिए। तो बिल्कुल ये चीज ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, और लास्ट में 1 मिनट में समर्प करता हूं, कितना क्या अकाउंट करना है हमें, 4 अकाउंट खोलना है फ्रेंड्स। पहला फॉर इन्वेस्टमेंट, बराबर, दूसरा इसमें 1,00,000 रुपए होंगे जो भी है आपका, 33% इसमें रहेगा, और दूसरा रहेगा 33% यानी 1,00,000 यहाँ पे पोजिशनल में होंगे, और आपके हिसाब से 10,000 आपका कैपिटल है तो इस हिसाब से आप डिवाइड करिए, और इंट्राडे में जो 33% रहेगा उसमें से भी 90% यहाँ पे रहेगा, ओनली 10% गैम्बलिंग अकाउंट में रहेगा फ्रेंड्स। ये गैम्बलिंग अकाउंट ही हमें बचाएगा फ्रेंड्स, गैम्बलिंग अकाउंट ही मनी मैनेजमेंट करेगा, गैम्बलिंग अकाउंट ही हमारी साइकोलॉजी केयर, क्योंकि हम वो ट्रेड लेने की जो खुजली है वो हम क्लियर नहीं करेंगे तो फिर हमारे मेन जो बड़ा बैलेंस है उस पे भी दिक्कत आ सकती है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा आपको, बिल्कुल मुझे लाइक बटन दबा के बताइए फ्रेंड्स, अगर नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक दबाइए, बिल्कुल मैं और सीखूंगा और आपको क्या चाहिए वो नया चीज लाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एक ध्यान में रखिए, ये चैनल जो रिटेलर्स है, बिगनर्स है, उनको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने के लिए है, और वो हम सब मिलके जर्नी पार करेंगे और बिल्कुल बना के दिखाएंगे। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए फ्रेंड्स, बाय बाय फॉर नाउ।